हेलो साथियों, पहला क्वेश्चन है, ए मैन हैज थ्री सन, द मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ हिज थ्राइस सन। तीन सन जितना काम करता है उसका दुगना काम मैन करता है। द फर्स्ट एंड सेकेंड सन कैन डू द वर्क, पहला सन और दूसरा सन 24-36 डे में करता है। इफ़ द मैन कम्प्लीट द वर्क, यदि आदमी इतना दिन में कम्प्लीट करता है तो बोल रहे हैं, देन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाई थर्ड पर्सन टू फिनिश द वर्क। यहाँ देखिए, तीन मैन तीन सन है, एक आदमी के तीन बेटे हैं। तो पहला जो बेटा 24 दिन में काम करता है, दूसरा बेटा 36 दिन में काम करता है, और मैन साथ कितना दिन में काम करता है। मैन यदि आदमी जब काम करे तो वह करता है 3 पूर्णांक 3/11, यानी 11 33 36/11 दिन में। तो इसका एलसीएम लिए तो टोटल वर्क निकला, तो टोटल वर्क 72 आया। तो एक दिन का वर्क कैसे निकालें, टोटल वर्क में से टोटल वर्क मतलब कि 24 दिन में एक पहला बेटा काम करता और दूसरा बेटा 36 दिन में काम करता, और आदमी है जो सर आदमी है वह 36/11 दिन में काम करता। तो ऊपर एलसीएम लिए तो इसका एलसीएम 72 आया। तो 72 यूनिट काम करना है, तो पहला बेटा जब 24 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट करेगा। क्यों? क्योंकि टोटल वर्क में से टोटल समय को डिवाइड किए तो जो आएगा एक दिन का आया। उसी तरह 36 को टोटल वर्क में टोटल डे से डिवाइड किए तो 2 आया, यानी एक दिन का काम आया। उसी तरह मैन का एक दिन का काम आया। अब बोल रहा है कि मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ हिज थ्राइस, जैसे मैन है डू, मैन क्या करता है, डू काम करता। तो मैन कैन डू यहाँ से देखिए, मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ हिज थ्री सन, तीन सन जितना काम करता उसका क्या दोगुना काम करता। तो पहला सन एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, दूसरा सन कितना काम करता है, देखिए मैन एक दिन में 22 यूनिट काम करता है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ ये वाला पॉइंट देखिए कि मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ हिज थ्री सन, यानी तीन सन जितना काम करता है उसका दुगना काम करता। यानी माने तीसरा सन x यूनिट काम करता है, तो इसका दुगना करेंगे तो ये मैन का काम हो जाए एक दिन का। तो यहाँ से 2 11 तो 3 2 5 तीसरा बेटा एक कितना काम करता होगा यूनिट, 6 यूनिट काम करता होगा। ये तीनों बराबर 11 के, क्योंकि टोटल 22 यूनिट काम करा जो दुगना है। दुगना है किसका, तो मैन जो काम कर रहा हुआ दुगना, मैन जो काम कर रहा हुआ क्या दुगना है तीनों बेटे के काम जो कितना करता है। तो 22 दिन में 1 यूनिट काम करता जो दुगना है, तो इसको 1 यूनिट में करेंगे मतलब आधा करेंगे, दुगना का आधा करेंगे तो 11 है, यानी 11 यूनिट काम तीनों मिलकर काम करता होगा। तो ये दोनों दिया है, ए प्लस बी का 3 2 5, तो थर्ड का कितना निकला, 6, यानी 6 यूनिट काम थर्ड एक दिन में करता है, और टोटल काम करना है 72 काम। तो कितना दिन लगेगा, 72 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 दिन का समय लगेगा। अगला प्रश्न, ए और बी एक साथ 7.5 दिनों में काम को पूरा करता, ए और बी ए अकेले काम करता और आधा काम पूरा करता, ए अकेले काम करता और आधा काम को
पूरा करता और फिर भी उसकी जगह कार को पूरा करता और शेष कार को पूरा करता। तो शेष कार मतलब अशेष आधे कार को पूरा करता, तो वे 20 दिनों में कार पूरा करते हैं। यदि ए 20 से अधिक कुशल है तो ए को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी विल कैन कंप्लीट जॉब इन 7.5 डेज। और दिया है इफ ए वर्क अलोन एंड कंप्लीट हाफ द जॉब। ए यदि वर्क करे कंप्लीट अलोन and complete half the job, and when B takes over and complete the remaining half of the job, they will complete to task in 20 days. 20 day में वह complete करता है। तो how long will A will alone take to do the job if B is more efficient? B क्या ज़्यादा efficient किससे? तो A से। तो यहाँ देखिए option के अनुसार माने तो बोल रहा है कि यहाँ मान ली ऑप्शन 38, मान ली कि ए 30 दिन में काम पूरा करता और ए और बी मिलकर कितना काम करता है? एक दिन मतलब कि 7.5 डेज में करता है, और जब ए अकेले काम करे तो 30 दिन में करता। तो इसका एलसीएम कितना लिए? 30 यूनिट लिए, 30 यूनिट काम हुआ। तो ए 30 यूनिट टोटल काम है, 30 दिन लगता है, तो यानी एक दिन में एक यूनिट काम करता होगा ये। तो बी कितना काम करता होगा? टोटल काम इतना है और इतना दिन में करता है, तो इससे 7.5 से डिवाइड किए तो 4, यानी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो ए और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? तो 3 यूनिट करेगा, 4 मैंने से 3। तो बी 3 दिन काम कर बी क्या कर रहा तो बी क्या करता है? यहाँ से देखिए कि बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 30 यूनिट काम करने में पूरा कितना लगेगा? 10 डेज लगेगा बी को, और ए को तो 30 दिन लग ही रहा है टोटल यूनिट काम पूरा करने में। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में ए वर्क अलोन एंड कंप्लीट हाफ द जॉब। ए वर्क अलोन एंड कंप्लीट द हाफ जॉब, यानी एंड बी टेक ओवर इट एंड कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब। यानी जब इफ ए वर्क अलोन, और यहाँ दिया है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ बी इज मोर एफिशिएंट। बी क्या है? ज़्यादा एफिशिएंट है ए से, ये भी ध्यान रखना। बी मोर एफिशिएंट है, यानी बी को समय कम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ए वर्क अलोन एंड कंप्लीट हाफ द जॉब, तो हाफ जॉब कितना होगा? 15 जॉब, हाफ जॉब टोटल, क्योंकि 30 यूनिट काम है उसमें, 15 काम। ए क्या करता है? ए वर्क अकेले करता है, तो 15 यूनिट काम अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा ए को? 15 दिन लगेगा। और बोल रहा है फिर कि इसके बाद आधा काम बचा कितना? 15 यूनिट काम। उस 15 यूनिट काम को बी अकेले करता है, तो बी अकेले उस 15 यूनिट काम को कितना दिन में करेगा? एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 15 यूनिट के काम को कितना दिन में? 5 दिन में करेगा। और बोल रहा है कि दोनों मिलकर 20 दिन तक काम करता है। तो देखिए यहाँ पहले ए 15 दिन तक काम किया, आधा काम 15 दिन तक किया, और बी आधा काम कितना दिन में? 5 दिन में आधा काम किया, और टोटल जोड़ते हैं तो 20 दिन कार आता है। तो यानी कहने का मतलब मेरा जो ऑप्शन ये 30 यूनिट लिए थे वह क्या सही लिए हैं। तो और यहाँ ये भी दिया कि ए है बी से अधिक कुशल। यहाँ पर देखिए बी इज़ मोर एफिशिएंट, बी अधिक एफिशिएंट है। बी क्या है? अधिक एफिशिएंट करने का मतलब कि वो एक दिन में ज़्यादा काम करता है, तो बी यदि मोर एफिशिएंट है तो समय भी उसका कम लगेगा, यानी बी
10 दिन लग रहा, इसीलिए मेरा ऑप्शन ये वाला सही है। तो यानी ये अकेले 30 दिन में काम को करेगा। लसारन एंड मयूक वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 18 डेज। हाउएवर मायू वर्क एलोन एंड लिव्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ द टास्क। 1/3 टास्क को पूरा करने के बाद छोड़ दिया। द सारन टेक ओवर एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क बाय हिमसेल्फ। एज ए रिजल्ट द दो कुड कंप्लीट द टास्क। दोनों मिलकर 40 दिन में काम किया। तो हाउ मेनी डेज वुड सारन एलोन हैव टेकन टू डू द जॉब इफ मखुई हैड वर्क फास्टर देन सारन। मखुई क्या करता है, वर्क फास्टर देन सारन। तो देखिए 1/3 ऑफ द वर्क, 1/3 ऑफ द वर्क देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, कोई भी ऑप्शन उठाते हैं। 1/3 ऑफ द वर्क, जैसे मान ली जाए कि मयूख हैड वर्क फास्ट हाउ मेनी डेज सारन। तो सारन मान लिया जाए, ऑप्शन उठाया 45। सारन 45 दिन में काम करता और सारन एंड मख्यू दोनों मिलकर 45 से उठाएं, कोई भी ऑप्शन उठाकर चेक कर सकते थे इसे, क्योंकि दोनों 18 दिन में काम करता है। तो 18 दिन में काम करता है, तो देखिए ऑप्शन ए और डी तो पहले हट जाएगा, क्योंकि वे क्या है 30। ये क्या हाउएवर मुख है वर्क एलोन एंड लीव आफ्टर कंप्लीटिंग 1/3। 1/3 जॉब किया क्या सरन और मयूक एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, परंतु मयूक अकेले काम करता और 1/3 कार्य पूरा करने के बाद छोड़ देता। इसके बाद सरन को अकेले पूरा करता। इस प्रकार वह 40 दिनों दोनों मिलकर 40 दिन काम करता है। यदि मयूख सरन से ज़्यादा तेज करता मयूख, तो सरन अकेले, मयूख क्या करता है, मयूख का समय कम लगेगा क्योंकि मयूख अकेले, तो सरन अकेले कार कितना, सरन मान लिया जाए 45 दिन उठाए और दिया है कि सरन और मयूख मिलकर 18 दिन में काम को पूरा करता। तो ये दोनों का एलसीएम लिए तो 90, यानी 90 यूनिट काम करना है। तो सरन 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा क्योंकि टोटल 45 दिन में ख़त्म कर रहा है और टोटल 90 काम है। तो 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा, 90/45। उसी तरह सरन एंड मयूर दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करेगा। सरन एंड मयूख 5 यूनिट दोनों मिलकर काम करेगा और सरन केवल अकेले 2 यूनिट काम करेगा, यानी मयूख 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा और टोटल काम कितना, 90 यूनिट। तो 90 यूनिट काम है तो इसको कितना समय लगेगा, यदि 3 का यूनिट से काम करा है तो 30 दिन लगेगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि हावर मयूख वर्क, उसको चेक करने के लिए हम निकालने लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर 45 देखिए, हावर मयूख वर्क एंड एलोन एंड लीव आफ्टर कंप्लीटिंग 1/3। 90 का 1/3 कितना हो गया, 30। 30 को मयूख कितना दिन में काम करेगा, 2। मयूख का एफिशिएंसी कितना है, 3 दिन, मतलब 1 दिन का काम 3 यूनिट काम करता है। तो 30 यूनिट काम, 1/3 यूनिट काम कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। टोटल काम को 1 दिन का काम से भागा दिए तो टोटल दिन निकला। उसी तरह ये सरन बोल रहा है 2/3 काम, 90 का 2/3 काम 60 हुआ। अब इस 60 को सरन का जो
एक दिन का काम कितना है? 2 यूनिट काम है, और टोटल 60 यूनिट काम करना है, तो इसको कितना समय लगेगा? टोटल काम और एक दिन का काम से डिवाइड किए तो कितना आया? 30 दिन। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर 40 दिन तक काम किया, तो देखिए 10 दिन मयूख काम किया, 30 दिन इतना, तो दोनों 40 दिन काम किया, यानी ऑप्शन नंबर मेरा माना हुआ 20 सही है, तो इसलिए सही हो गया। अगला है, यहाँ पर हिंदी में मिस्टेक है, हिंदी वाला गलत है, लेकिन इंग्लिश में देखते हैं। 3 men A, B एंड C वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 6 आवर लेस टाइम देन ए एलोन। ए एलोन, ए अकेले जितना समय में करता है उससे 6 घंटा कम समय लगता है जब तीनों ए बी और सी काम करें। इन 1 आवर लेस देन बी एलोन, 1 आवर कम लगता है बी एलोन से। एंड इन 1/2 द टाइम नीडेड बाई सी, उसका आधा लगता है जो सी के द्वारा जितना समय लगता है उसके 1/2 लगता है व्हेन वर्किंग एलोन। सी वर्किंग जब एलोन करे तो उसका आधा समय लगता है ए बी सी जब साथ में करे, और बी जब एक एलोन काम करे तो उससे 1 घंटा कम लगता है। तो बोल रहा ए और बी टुगेदर कैन डू द जॉब, तो यहाँ देखिए ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी करा कि ए एलोन 6 आवर लेस टाइम देन ए, ए जितना समय में काम करता है उससे 6 घंटा कम लगता है जब तीनों साथ में काम करें। एंड 1 आवर लेस टाइम देन बी एलोन, बी एलोन, बी जब एलोन काम करे ना तो उससे क्या करता है 1 घंटा कम लगता है। तो मान लिया जाए कि ए प्लस बी प्लस सी एक्स घंटा में काम करता है, तो ए को कितना समय लगा? बोल रहा है 6 घंटा कम लग रहा है, यानी इसको ज़्यादा 6 घंटा लग रहा होगा, एक्स आवर लेस टाइम देन ए एलोन, ए एलोन से 6 घंटा कम लगा, ऐसे बोलें या ऐसे बोलें? और बोल रहा है 1 आवर लेस टाइम देन बी एलोन, 1 आवर कम लगता है बी एलोन से, यानी बी एलोन से 1 घंटा कम लगता है। एंड इस हाफ डेट टाइम नीडेड बाई सी, सी के द्वारा आधा टाइम लगता है, यानी दुगना इसको लगता होगा। अब देखिए ए का इतना समय लगता है एक्स प्लस 6, बी का इतना और सी का इतना, और ए प्लस बी तीनों मिलकर काम करे तो इतना, तो इतना समय लगता है। तो एक दिन का ए का काम कितना होगा? 1/x + c। एक दिन का बी का काम 1/x + 1। एक दिन का 1 का काम 2/x, और एक दिन का 1 + a + b + c का काम 1/x। अब यहाँ से देखिए ये एक इक्वेशन बन गया जिसमें एक्स केवल वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको इधर ले लाइए क्योंकि एक जात का है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x 2 - 1 यानी 1/2x। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आया x + 6 और x + 1, एक आवर का काम आया बराबर 1/2x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर 2/3 लेंगे, इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 9/3 तो नहीं आएगा क्योंकि काम है सब पॉजिटिव है। तो बोल रहा a और b मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो a और b करने का सेंस क्या है? a और b बराबर होता था सी के, यानी ए और बी कितना 2x काम के बराबर हुआ, जैसे वहाँ से निकाले थे ना ए प्लस बी प्लस एक दिन का काम बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और यही निकला था यहाँ से क्या करे थे, एक लगता 6 घंटा फिनिश का x + 1, यहाँ लिखे तो 1/2x, यानी a प्लस b का काम c के काम के बराबर हो गया था। तो यहाँ से यही इक्वेट किए कि c का काम को निकालिए 2x से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से आप समझ गए उसको सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा।
आगे है, ए किसी काम को 35 दिन में करता और बी उसी कार को 15 दिन में पूरा करता। उन्होंने, एक मिनट इसको देखते हैं अभी, जैसे देखिए वो हम क्या निकाले थे कि यदि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी को 1 दिन लगता है, ए को कितना लगता है तो एक्स प्लस 6 घंटा लगता है, बी को कितना लगता है तो एक्स प्लस 1 घंटा, सी को कितना लगता है 2x घंटा। तो एक दिन का काम ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन का काम ए प्लस बी का, एक दिन का काम बी प्लस ए का, और एक दिन का काम 1/2x। एक जात को इसको इसको इधर ले लाते हैं तो 1/x माइनस 1/2x, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 पर जाएगा, 2 माइनस 1, 1/2x बराबर 1/x प्लस 1, एक्स प्लस 6 प्लस 1/x प्लस 1, और 1/2x कितना है c, यानी c का वैल्यू कितना हुआ, a प्लस b के बराबर हुआ। तो यही बोल रहा है, ई एंड बी वर्किंग टूगेदर कैन c के बराबर के वैल्यू होगा, तो इसीलिए यहाँ को बनाए हम आपको a प्लस बी बराबर c के 2x 2x आवर लगता है, और इसी को हम 4/2x बराबर, यानी x का वैल्यू 2/3 इसको पुट किए थे। ये वाला देख रहे थे कि ए कैन कम्प्लीट ए वर्क इन 35 डे, बी कैन कम्प्लीट द वर्क इन 15 डेज, तो टोटल यूनिट वर्क कितना है, दोनों का एलसीएम 105। एक दिन का 3 यूनिट काम ए करेगा तो बी एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा। बोल रहा है कि दोनों साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया, तो दोनों साथ मिलकर एक दिन में 7 दिन 10 यूनिट काम किया, तो 8 दिन में 80 यूनिट काम किया। बोले हाउ मेनी डेज विल ए एलॉन कम्प्लीट 60% ऑफ द रिमेनिंग में, तो बच्चा कितना काम, 60% बच्चा कितना, 80 टोटल काम कर लिया और टोटल 105 काम है, तो बच्चा 25 काम, 25 का 60% यानी 0.6 इसको काम करना किसको, ए के द्वारा। तो एक दिन में कितना करता, 3, इसको डिवाइड करिए तो 5 25 दूनी 50, 5 दिन में। अगला, ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 10 दिन, ए और बी कितना दिन में करता है, ए कैन डू ए जॉब इन 10 दिन, बी कितना दिन में, 5 दिन में। दोनों का एलसीएम है 10 यूनिट काम है, तो एक दिन का, ए का काम 1 यूनिट, बी का एक दिन का काम 2 यूनिट। दे वर्क टुगेदर 4 डेज, दोनों साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो दोनों में जब साथ मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट करेगा, तो 2 दिन में 6 यूनिट काम करेगा। आफ्टर बीच बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी, इसके बाद सी को रिप्लेस्ड किया, एंड द वर्क वॉज फिनिश्ड इन द नेक्स्ट 3 डेज, उसको बी को रिप्लेस्ड करके सी को रिप्लेस्ड किया, बी तो हट गया, तो बी ए एक दिन में काम करता एक, तो सी नया आया, अब सी नया आया और ये 3 दिन में काम किया, ये मान ली 1 यूनिट काम है, इसका पता नहीं कितना है, लेकिन 3 दिन तक काम किया तो टोटल 4 यूनिट काम बचा हुआ था, क्योंकि 6 यूनिट दोनों ए और बी दोनों साथ मिलकर कर दिया था, तो बचा 4 यूनिट काम। तो ए ए ए ए अपने एफिशिएंसी 1 के एफिशिएंसी से करेगा, सी का पता नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर जब साथ करता है तो 3 दिन में 4 यूनिट काम कर देता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो सी कितना आ जाएगा, सी बराबर 1/3 आ जाएगा, यहाँ से निकालिएगा था 1 + c बराबर 4/3, तो यानी c का वैल्यू 1/3। अब बोला c को अकेले 40% काम करने में, तो 10 का 40% कितना हो जाएगा, 10 का 40% निकालिए तो 4 आएगा, 4 काम को c कितना दिन में करेगा, तो c एक दिन में कितना करता है, 1/3 काम, तो टोटल 12 दिन लगेगा। अगला है कि टू डू ए सर्टेन वर्क, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात, ए और बी की दक्षता का अनुपात इतना, वे साथ काम करने पर वे इतना दिन में करते हैं, तो एक दोनों का दक्षता है, दक्षता करने का मतलब कि एक दिन का काम है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी 7 काम करता है, तो एक दिन में दोनों टोटल कितना काम करता है, 10 यूनिट काम करता है, और टोटल 10 दुनी 20 21 दिन में पूरा करता है, यानी टोटल काम कितना हो गया, 105 यूनिट। अन्ना तो ऐसे भी बना सकते हैं, इतना दिनों में पूरा कर सकते, 8 दिनों तक साथ काम किया, तो 8 दिनों तक साथ काम किया तो बचा कितना दिन का काम, देखिए 8 दिनों तक साथ काम किया, आज क्योंकि जब दोनों काम करता, दोनों 3:7 के अनुपात में दिया हुआ दक्षता, तो 8 दिनों तक साथ काम किया, तो उसका बचा हुआ काम कितना, 2.5 दिन का काम बच गया, क्योंकि 10 10.5 दिन में पूरा काम कर देता है, तो 2.5 दिन में कितना काम करता है, यदि छोड़ा जो, तो 2.5 दिन में, एक दिन में इसका 7 3 10 काम था, तो 2.5 दिन में 25 यूनिट काम,
इस 25, तो शेष कार के 60%, इस 25 यूनिट का 60%, 60% कितना है 15, इसको इस 15 काम को कौन करेगा, तो ये दोबारा कितने दिन में पूरा करेगा, तो ये एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 यूनिट काम करता है, तो 15 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 15 बटा 3 यानी 5 दिन लगेगा। अगला को निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 में एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को इतना दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए, कोई निश्चित काम करते हुए ए और बी की कार्य कुशलता और इतना और साथ मिलकर इतना दिन में काम कर सकता है, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। तो एक दिन दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ 35 यूनिट काम, और इतना दिन में पूरा कर सकता, तो एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, टोटल 7 दिन 35 दिन में पूरा करता है, तो टोटल यूनिट वर्क निकालनी है इससे, तो टोटल वर्क आ गया। अब बोला 60% ऑफ टोटल वर्क, 60% अकेले ए उसी कार के 60%, तो इसका 60% निकालें तो यहाँ से 126 आएगा। इस 126 काम को बोल रहा है कि 60% काम को अकेले ए कितना दिन में पूरा करेगा, तो अकेले ए कितना के एफिशिएंसी से एक दिन में काम करता है, तो 7 के एफिशिएंसी से। टोटल काम कितना है 126, तो 126 में 7 से डिवाइड करेंगे यानी 18 दिन में पूरा करेगा। अगला ए बी और सी की दक्षता का अनुपात इतना हो, वे एक साथ काम करने पर वे 3 और 25 दिन में काम करता है, तो ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिनों पूरा करेगा। देखिए टोटल काम कितना होगा, एक दिन में तीनों मिलकर 5, 4, 9, 9, 3, 12 काम, और उसी तरह 25 दिन 25 दिन में काम पूरा करता है, तो टोटल इतना यूनिट काम हो गया। अब इसको अब बोल रहा है कि टोटल काम का 35% ए और सी कितना दिन में काम करेगा, तो इसका 35% टोटल काम का निकालें, तो टोटल काम ए और सी एक दिन में कितना करता है, तो 4, 3, 7, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 दिन लगेगा। अलग निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स बाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है, एक्स क्या है बाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है, यानी एक्स 10 है तो बाई क्या है 13 है, 30% ऐसे बोल सकते हैं, 30% ऐसे लिखिएगा ना, तो यानी एक्स 10 थी, एक्स क्या है बाई की तुलना में 30% अधिक है, यानी बाई 10 है तो एक्स क्या है 13 हो गया। एक्स यदि एक्स को इंडिकेट कर रहा है तो ये ऐड हो जाएगा, 30% अधिक ना है तो बाई ये एक्स हो जाएगा, आई बाई है। अब बोला जेड वाई की तुलना में 20% का, जेड कितना, जेड है वाई की तुलना में, जेड है ना जो वाई की तुलना में 20% कम कुशल, यानी जेड वाई 10 है तो 20% कम यानी 80% होगा, तो कितना हो जाएगा जेड 8 होगा, 8 यूनिट काम करता होगा, एक साथ काम करते हुए 40 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर जब एक साथ काम करे तो एक दिन में कितना काम करता है 8 × 3 = 12 × 2 = 31 काम, और टोटल 44 दिन साथ काम करता है तो पूरा काम पूरा हो जाता है, तो टोटल यूनिट इतना काम हुआ। और बोल रहे हैं बाई और जेड ने मिलकर 70 दिनों तक काम किया, तो बाई और जेड ने 70 दिनों एक दिन में 18 काम करता, तो 70 दिन में इतना यूनिट काम और इतना टोटल काम हुआ, इतना टोटल काम हुआ और इतना बाई जेड ने मिलकर किया, तो बचा कितना काम, इस दोनों को माइनस किए और शेष कार को एक्स अकेले पूरा करेगा, तो एक्स कितना के एफिशिएंसी से पूरा करेगा, एक्स कितना के एफिशिएंसी से पूरा करेगा, तो एक्स अपना 13 के एफिशिएंसी से पूरा करेगा, तो बचा हुआ काम को 13 से डिवाइड करेंगे तो 8 डेज आएगा, तो 8 डेज आएगा, तो इसको निकाल लीजिएगा। देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा वर्क वाई बाई एन जेड, तो इसको देखेंगे बाद में, ये तो बात का चीज़ है। अगला देखते हैं कि ए बी और सी की दक्षता का अनुपात इतना हो, एक साथ काम करके 3 और 35 दिनों में काम पूरा कर सकता, ए और बी दोनों ने मिलकर क्या क्या 28 दिन तक काम किया, तो शेष काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए और बी की दक्षता का अनुपात इतना हो, एक साथ काम करने पर 3 और 35 दिनों में काम करते, ए और बी दोनों ने मिलकर कितना किया 28 दिनों तक काम किया, तो ए और बी ने मिलकर 28 दिनों में तक काम किया, तो एक्स्ट्रा वर्क ऑफ ए एंड बी, मतलब कि एक्स्ट्रा वर्क जो ए और बी को
ए बी और सी यदि तीनों मिल जाता ना तो 35 दिन में काम पूरा करता, और ए और बी दोनों ने मिलकर, ए और बी ने दोनों ने मिलकर क्या किया, 28 दिन तक काम किया। तो ए और बी ने 28 दिन तक काम किया, तो साथियों ए और बी जैसे मान लीजिए 35 दिन में पूरा काम करता, क्योंकि ए बी और सी तीनों 35 35 35 दिन काम कर रहा, तीनों जैसे ए बी सी यदि तीनों मिलता तो 35 दिन में काम पूरा होता, यानी ए भी 35 दिन लगा, बी भी कब लगा, सी भी लगा। लेकिन यहाँ क्या दे रहा कि ए और बी दोनों ने मिलकर 28 दिन तक काम किया, तो ए और बी ने कितना दिन तक काम, एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा उसका बचा हुआ वर्क कितना होगा, मतलब कि उसका एक्स्ट्रा वर्क कितना था ए और बी का, तो एक दिन का ए का 7 यूनिट वर्क, बी का 5 यूनिट, एक दिन का 12 यूनिट ए बी का वर्क, और टोटल 35 दिन में काम कर लेता, तो 28 दिन किया तो बचा कितना दिन, 7 दिन, यानी 12 यूनिट काम एक दिन में ए और बी करता है, और टोटल यदि साथ मिलकर करता तो 35 दिन ले लेता, लेकिन 7 दिन पहले ही, 7 मतलब 28 दिन तक काम किया, 7 दिन काम नहीं किया, तेन इतना काम, इतना काम को कौन करेगा, तो सी इतना काम को सी करा होगा, तो रिमेनिंग वर्क वाइज सी, सी कितना दिन में पूरा टोटल काम करेगा, पहले तो कि सी शुरू से काम करता तो 35 दिन लगता, तो 35 दिन उसका, और बचा हुआ 84 काम को सी कितना के फैशन से करेगा, 4 के फैशन से, तो कैचो 84 टोटल यूनिट इतना डेज, मतलब 84 यूनिट काम को 4 के फैशन से करेगा, तो कितना दिन लगेगा, 21, और टोटल 35 इसलिए जोड़ें क्योंकि देखिए ए तो शुरू से काम नहीं कर रहा था, अब सी ए शुरू से काम नहीं कर रहा था, यानी सी का 35 दिन का काम, सी शेष काम को सी अकेले कितने दिनों पर करेगा, तो सी का 35 दिनों का काम, इधर बचे हुआ काम टोटल को ऐड करेंगे तो इतना दिन में सी का काम निकल जाएगा, और नहीं तो फिर उसी तरह बना सकते हैं जो अभी ऊपर बनाया कि 7 5 12 4 16, 16 × 15 टोटल वर्क आया, ए प्लस बी ने दोनों ने 28 दिन तक काम किया, तो ए और बी कितना एक दिन में कितना काम किया, 7 5 12 और 28 दिन तक काम किया, तो ये टोटल काम हो गया, मतलब कि ये टोटल काम माइनस ये दोनों मिलकर 28 दिन तक काम किया, जो अब बचा हुआ काम को फिर कितना क्या सी कर रहा है, कितना के फैसेंसेस है, 4 के फैसेंसेस, यही निकलेगा आंसर, अन्य तो फिर इस तरह का सोचें तो बना सकते हैं। अगला है, ए किसी कार को 15 दिन में करता है, और बी ए की तुलना में, बी है जो ए की तुलना में 25% अधिक है, बी 25% मतलब 1/4, तो बी ए की तुलना में, यदि ए 4 है तो बी कितना, 5 है, और सी है ना बी की तुलना में 40% अधिक है, सी बी की तुलना में 40% अधिक है, यानी 40% करने का मतलब 140 अधिक है, यानी 5 दूनी 10, 2 से 7, यानी सी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे निकालें कि ए बी ए की तुलना में 25% अधिक है, बी 25% करने का मतलब 2500, यानी ए यदि 4 है, ए 4 है तो बी कितना होगा, 5 होगा, और बोल रहा है कि सी बी की तुलना में, सी है जो बी की तुलना में 40% है, सी है जो बी की तुलना में यदि 100 है तो 140 है, तो यहाँ दिखा रहा है कितना, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि देखिए ये 5 का 20 गुना है तो कितना का, 140 गुना, तो 7 का 20 गुना होगा, तो यानी एफिशिएंसी 7 आएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं, तो 7 इसका एफिशिएंसी आएगा। तो एक किसी कार को 15 दिन में करता है, एक एफिशिएंसी 4 है, 15 दिन में करता है तो 15 6 60 यूनिट टोटल काम हुआ होगा, टोटल काम है, तो बोल रहा ए और सी ने एक साथ 3 दिन तक काम किया, ए और सी ने, तो एक एक दिन में 4 यूनिट ए का, बी का एक दिन में 7 यूनिट, टोटल काम कितना किया, 7 4 11 11 33 यूनिट काम किया ए और सी मिलकर, फिर सी कार छोड़ देता है, फिर ए और बी साथ में करता है तो कितना दिन करेगा,
तो फिर ए और बी एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, तो बचा हुआ काम कितना है? 60 में से 33 घटाएंगे तो 27 यूनिट, 27 यूनिट को 9 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन लगेगा? 3 दिन लगेगा। अगला, अनमोल इज थ्राइस अस गुड अस वर्कमैन अस बिना। अनमोल क्या है? 3 गुना अच्छा कारीगर है बिना से, तो बिन एफिशिएंसी अनमोल का 3 गुना है किससे? बिना से। तो जानते हैं कि एफिशिएंसी का उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम होगा, यानी 1:3 लगा इसको टाइम, यदि क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश जो भी 60 डेज लेस टाइम देने बिना, मतलब कि जो बिना से कम समय लगता है कितना? 60 डेज। तो दोनों के टाइम का अंतर कितना है? 60 डेज, यानी 2 का अंतर दिखा रहा 60, तो 1 का 30 अंतर, यानी एंड इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द जॉब वर्किंग टुगेदर। तो देखिए साथियों, यहाँ पर क्या कि अनमोल थ्राइस है, तो एक दिन ये यहाँ पर 2 दिखा रहा है 30 को, तो ये 60 को, तो एक दिखा रहा है कितना? 30 को, तो 30 यूनिट, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा, देखिए कि ए थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बिनाय एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश द वर्क इन 60 डेज, देयरफॉर एबल टू फिनिश द वर्क इन 60 डेज लेस देन टाइम, तो एक दिखा रहा है 30, तो एक दिखा रहा है 30, और टोटल तीन एफिशिएंसी से करेगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? मतलब कि 90 यूनिट टोटल काम आएगा, तो 90 यूनिट काम को जब दोनों मिलकर 7 काम करें तो कितना? एक दिन में दोनों मिलकर जब 7 काम करें तो 4 का एफिशिएंसी से करेगा, और टोटल 90 वर्क है, तो 90 वर्क को 4 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना समय लगा? 22 * 1/2, 22 * 4 = 88, यहाँ से 90 से 2 * 4, 2 से 15 कहिएगा तो 15 * 3 = 45, यानी 22 * 1/2 डेज में दोनों जब साथ मिलकर काम करेगा तो कंप्लीट होगा। ये अपने दिन नहीं समझे तो फिर से देखिए, अनमोल इज थ्राइस, अनमोल क्या है? तिगुना अच्छा, तीन गुना अच्छा कामगार है किससे? तो बिनाय से, तो बिनाय को यदि एक यूनिट काम करता है तो अनमोल उसी समय 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, और बोल रहा है कि देयरफॉर इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 60 डेज लेस टाइम देन बिनाय, और इसलिए वह क्या करता है? 30 से 60 डेज काम लगता है बिनाय से, तो यानी टाइम का क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1:3 के अनुपात में, यानी दोनों का अंतर 60 डेज है, तो एक कितना दिखा रहा? 30 दिन का, एक 30 दिन का दिखा रहा, एक 30 दिन का दिखा रहा, और इसका एफिशिएंसी क्या है? 30, इसका एफिशिएंसी एक 30 दिखा रहा है, तो टोटल यूनिट काम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 90 यूनिट, तो 90 यूनिट काम कोई और भी मिलके कितना दिन में करेगा? तो 90/4 कर देंगे, यानी 22.5 दिन में करेगा। तो ये था वीडियो, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें।